हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम साइंस जीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर अ नॉर्मल हेल्दी आई ऑफ ह्यूमन बीइंग इज सपोज टू बी। जो मिनिमम डिस्टेंस होता है क्लियर विजन का एक नॉर्मल ह्यूमन में हेल्दी आइज का, वो है 25 सेंटीमीटर। इसका आंसर है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन। पावर ऑफ लेंस को किस में मेयर किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है डायोप्टर में। नेक्स्ट है, पावर ऑफ द सनग्लासेस इज, पावर है सनग्लासेस की, तो इसका करेक्ट आंसर है 0 डायोप्टर। नेक्स्ट है, इन ह्यूमन आई इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म एट, ह्यूमन आइज में इमेज कहाँ पर बनती है ऑब्जेक्ट्स की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्राइमरी कलर प्रोड्यूस डिफरेंट शेड्स ऑन टीवी। कौन सा प्राइमरी कलर जो है प्रोड्यूस करता है डिफरेंट शेड्स टीवी में? तो इसका करेक्ट आंसर है रेड, ग्रीन और ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ कलर कंटेंड इन सनलाइट इज, सनलाइट में कितने नंबर ऑफ कलर्स कंटेंड होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है यह है 7। नेक्स्ट है, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन कैन टेक प्लेस इन, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन कैन टेक प्लेस इन गैसेस एंड लिक्विड। आंसर है गैसेस और लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लिक्विड रिमेन हॉट एंड कोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन थर्मो फ्लास्क बिकॉज देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ हीट बाय। तो थर्मो फ्लास्क में जो है जो लिक्विड होता है वो हॉट और कोल्ड रह सकता है लंबे टाइम तक, किसकी वजह से? तो आंसर है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। थर्मो फ्लास्क में वैक्यूम गैप होता है इनर वॉल और आउटर वॉल के बीच में, सो वहाँ पे लॉस और गेन नहीं होता है हीट का। जो आउटर सरफेस है इनर वॉल का और जो इनर सरफेस है आउटर वॉल का वो सिल्वर का बना हुआ होता है जो प्रिवेंट करता है हीट ट्रांसफ़र को ड्यू टू रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता है कि इसमें ट्रांसफ़र होता है थर्मल एनर्जी का थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, और कन्वेक्शन, कन्वेक्शन में ट्रांसफ़र होता है थर्मल एनर्जी का थ्रू द मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैस। और रेडिएशन में क्या होता है कि इसमें ट्रांसफ़र होता है थर्मल एनर्जी का थ्रू थर्मल एमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच टाइप ऑफ वेव देयर इज नो फ्लो ऑफ एनर्जी, किस टाइप ऑफ वेव में कोई भी फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं होती है? तो इसका आंसर है स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव बेसिकली कॉम्बिनेशन है टू वेव्स का जो मूव कर रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसमें दोनों के पास ही सेम एम्पलीट्यूड है और फ्रिक्वेंसी भी सेम है। नेक्स्ट है, फॉर साउंड वेव इन एयर द वाइब्रेशन आर, साउंड वेव जो एयर में है उसमें कौन सी वाइब्रेशन है? तो यह है लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव में एयर जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव में, बिकॉज जिस मीडियम से साउंड ट्रांसपोर्ट हो रही है वो पैरेलली वाइब्रेट कर रहा है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में साउंड वेव मूव कर रही है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल्स जो मीडियम है, पार्टिकल ऑफ मीडियम जो है वो वाइब्रेट करता है पैरेलली जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल करती है, और डिस्प्लेसमेंट जो है मीडियम की वो सेम और ऑपोजिट इन द डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट है, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन, जो साउंड की लाउडनेस है वो डिपेंड करती है उसके एम्पलीट्यूड पर, तो इसका आंसर है इट्स एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट है, ट्रांसवर्स वेव कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, ट्रांसवर्स वेव किसके थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकती है? तो इसका आंसर है हाइड्रोजन गैस। ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेट नहीं कर सकती है गैस से बिकॉज वहाँ पे कोई मैकेनिज्म नहीं है। नेक्स्ट है, द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट ट्रॉफ्स ऑफ वेव इज कॉल्ड, दो ट्रॉफ्स के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है वेवलेंथ। व्हाई डज अ डायमंड शाइन सो ब्राइटली, डायमंड इतना ब्राइटली क्यों शाइन करता है? तो इसका आंसर है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो है कंप्लीट रिफ्लेक्शन होगी लाइट की, जैसे वाटर और ग्लास जो है आसपास के सरफेस से मीडियम में वापस आ जाता है। नेक्स्ट है, एट द सेंटर ऑफ मैग्नेटिक पार द मैग्नेटिज्म इज, सेंटर पे मैग्नेटिक पार के सेंटर पर मैग्नेटिज्म क्या रहेगा? तो इसका आंसर है 0। नेक्स्ट है, द मैग्नेटिक फ्लक्स इज एक्सप्रेस्ड इन, मैग्नेटिक फ्लक्स को किस में एक्सप्रेस किया जाता है? तो आंसर है इसका वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मेजरमेंट ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो कि दिए हुए एरिया से पास करता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इज़ द मेजरमेंट ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड विच पासिस थ्रू अ गिवन एरिया।
नेक्स्ट है द पावर ऑफ अ टेलीस्कोप टू सी द टू ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली इज कॉल्ड इट्स, तो इसका आंसर है मैग्नीफाइंग पावर. द हैंड बर्न मोर बाय स्टीम कंपेरेटिवली टू बॉइलिंग वाटर बिकॉज हाथ जो है वो भाप से ज़्यादा जल जाता है एज़ कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर. ऐसा क्यों होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है द स्टीम हैज़ लेटेंट हीट बिकॉज स्टीम में ज़्यादा हीट एनर्जी होती है ड्यू टू इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. नेक्स्ट है एट वॉट डिग्री आर द सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर द सेम, कौन सी किस डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर जो है सेम रहता है? इसका जो करेक्ट आंसर है -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर. नेक्स्ट है द बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेल्दी मैन इज़, एक हेल्दी मैन के बॉडी के टेम्परेचर कितना होता है? तो इसका आंसर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन आइस मेल्ट, जब आइस मेल्ट होती है देन क्या होता है? वॉल्यूम डिक्रीज करती है. एलिमेंट्स जैसे कि कास्ट आयरन एंड एटिमोनी बिस्मिथ ब्रास जब मेल्ट होते हैं तो उनका वॉल्यूम डिक्रीज होता है. इस तरह से सॉलिड फ्लोट करते हैं इन देयर ओन मेल्टेड फ्लूइड. सो इसका करेक्ट आंसर है वॉल्यूम डिक्रीजेज व्हेन आइस मेल्ट. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ थर्मोस्टैट, थर्मोस्टैट का यूज़ क्या है? तो इसका आंसर है टू मेजर टेम्परेचर. ये हेल्प करता है एनर्जी और पावर को सेव करने में. नेक्स्ट है द सेफेस्ट टेम्परेचर फॉर कीपिंग फूड फ्रेश इन अ रेफ्रिजरेटर इज़, कौन सा टेम्परेचर जो है करेक्ट रहता है फूड को फ्रेश रखने के लिए रेफ्रिजरेटर में, किस डिग्री पर टेम्परेचर रहना चाहिए? तो इसका आंसर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट है व्हेन अ ग्लास रॉड इज प्लेस्ड इन स्टीम इट्स लेंथ इंक्रीज बट इट्स विड्थ, क्या होती है उसकी विड्थ भी इंक्रीज हो जाती है. जब ग्लास रॉड स्टीम में प्लेस्ड होती है तो उसकी लेंथ और विड्थ दोनों ही इंक्रीज होती है. नेक्स्ट है टीवी सिग्नल्स कैन नॉट बी रिसीव्ड बियॉन्ड अ सर्टन डिस्टेंस, टीवी सिग्नल जो है सर्टन डिस्टेंस से ज़्यादा रिसीव नहीं होते हैं. क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज द सर्फेस ऑफ अर्थ इज कर्व्ड, क्योंकि जो सर्फेस है अर्थ का वो कर्व्ड है, इस वजह से सिग्नल मूव फर्दर विदाउट हिटिंग द अर्थ सर्फेस, सिग्नल फर्दर मूव कर जाते हैं हिटिंग विदाउट हिटिंग द अर्थ सर्फेस. नेक्स्ट है द टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल इन टीवी ब्रॉडकास्ट इज, किस टेक्निक का यूज़ होता है ऑडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करने में टीवी ब्रॉडकास्ट में? इसका करेक्ट आंसर है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का यूज़ जो है ऑडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए होता है. टीवी ब्रॉडकास्ट में फ्रीक्वेंसी जो मॉड्यूलेशन सिग्नल है ये लार्ज बैंडविड्थ के होते हैं, जिस वजह से एडजेसेंट बैंड पर एफएम सिग्नल में ना तो कोई नॉइस होती है और ना ही कोई इंटरफेरेंस इशू आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर ऑफ स्टार इज़ एन इंडिकेशन ऑफ इट्स, तो इसका आंसर है टेम्परेचर. स्टार्स जो हैं वो एक्चुअली डिफरेंट कलर्स के होते हैं जो इंडिकेटर होते हैं टेम्परेचर के. जो सबसे गर्म जो हॉट स्टार होते हैं वो ब्लू और वाइट कलर के दिखाई देते हैं और जो कोल्ड स्टार होते हैं वो रेड कलर के होते हैं. नेक्स्ट है द लाइट विद शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज़, जो ऐसी कौन सी लाइट है जिसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है? तो यह है वायलेट. वायलेट की जो है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो अराउंड 380 नैनोमीटर तक होती है. जितनी स्मॉल वेवलेंथ होगी लाइट की वो लाइट उतना ही ज़्यादा स्कैटर होगी पार्टिकल से एटमोसफेयर में. नेक्स्ट है रेड लाइट यूज इन ट्रैफिक सिग्नल बिकॉज, रेड लाइट का यूज़ ट्रैफिक सिग्नल में क्यों होता है? बिकॉज इट हैज़ लॉन्गर वेव लेंथ, बिकॉज जो रेड लाइट है उसकी वेव लेंथ मैक्सिमम है इसलिए वो कम स्कैटर्ड होती है और दूर से भी दिखाई देती है. नेक्स्ट है द ड्रग मोस्ट वाइल्डली यूज टू रिलीव पेन इज, पेन से रिलीफ के लिए मोस्टली कौन सी ड्रग का यूज़ होता है? तो इसका आंसर है एस्प्रिन. नेक्स्ट है इन ह्यूमन बॉडी द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इज, ह्यूमन बॉडी में जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो है सेल, इसका करेक्ट आंसर है सेल. नेक्स्ट है रेडियम इज यूज टू क्योर विच डिजीजेज, रेडियम का यूज़ किस क्योर डिजीज़ को क्योर करने के लिए होता है? तो इसका आंसर है कैंसर. नेक्स्ट है फैटी थिंग्स कंटेन विटामिन डी, फैटी थिंग्स जो है विटामिन डी को कंटेन करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है
फॉस्फोरस इज कैप्ड इन, फॉस्फोरस किसके अंदर होता है, तो यह है कोल्ड वाटर। नेक्स्ट है एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस इज, फॉस्फोरस की एटॉमिक सिटी कितनी होती है, तो इसका आंसर है 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी लेट अस नो इन कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।